who has been appointed as the chairman of SSC Staff Selection Commission, जहाँ अंडर आम CGL, CHSL, MTS एग्जाम होची सेंट्रल लेवल जो SSC अच्छी तो तार चेयरमैन किए बन से होती राकेश रंजन. ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली राकेश रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SSC. क्लियर. नेक्स्ट सोफिया फिरदोस बिकम द फर्स्ट मुस्लिम MLA ऑफ व्हिच स्टेट. सोफिया फिरदोस बनती प्रथम मुस्लिम MLA कौ राज्यर. इट इज आवर स्टेट ओडिशा. से मोस्ट इंपोर्टेंट रो ओडिशार प्रथम करी मुस्लिम MLA जन बन सी हूँ किए सोफिया फिरदोस जी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू CM ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश नुआ CM भाव में चार्ज किए नहीं सी हूँ एन चंद्रबाबू नायडू जी. क्लियर. एन चंद्रबाबू नायडू हैज टेकन ओथ एज द न्यू CM ऑफ आंध्र प्रदेश. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर. ए एन चंद्रबाबू नायडू या पूर्व किए थे YSR जगनमोहन रेड्डी बट से इलेक्टेड इलेक्शन हार जावा जो रिसेंटली किए एन चंद्रबाबू नायडू बनती नुआ CM ऑफ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुदुत पापचंद ग्रुप. MPG रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किए बनते सी होती बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान. बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को मुथुत पापचंद ग्रुप तार ब्रांड एम्बेसडर भाव में अपॉइंट करी. सो ऑप्शन बी ही यार करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया. सोनी इंडिया जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार एगुड़ा सब रोच तार ब्रांड एम्बेसडर किए मैंने तार नुआ CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए बन सी होती गौरव बनर्जी जी. क्लियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. गौरव बनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. रिसेंटली करेंटली आम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोस्ट किए अपॉइंट होती सी होती किए उपेन्द्र द्विवेदी जी. ओके नेक्स्ट चीफ ऑफ नुह करेंट चीफ से एक तारीख रु चार्ज नहीं सारी. आ पूर्व मनोज पांडे जी थे बट रिसेंटली आम उपेन्द्र द्विवेदी चार्ज नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोस्टर. क्लियर. नेक्स्ट हु हैज बीन इलेक्टेड एज डीजी ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. WOAH माने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रो नुआ डीजी किए बन से होती इमानुएल सोबरियन. क्लियर. इमानुएल सोबरियन हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू डीजी ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. क्लियर. डॉक्टर इमानुएल सोब्रियन. क्लियर. नेक्स्ट व्हिच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल अम्बासेडर. रिसेंटली किए क्रिकेट कल्चरल ऑस्ट्रेलिया रो क्रिकेट कल्चरल अम्बासेडर बनती से होती किए रवि शास्त्री जी. इंडिया रो रवि शास्त्री रिसेंटली अपॉइंट होती क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रो माने ऑस्ट्रेलिया रो मल्टीकल्चरल अम्बासेडर भाव में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड अम्बासेडर ऑफ ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन. ग्रीन डे रो बेटर न्यूट्रिशन रो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर पोस्ट किए अपॉइंट होती सी होती पी वी सिंधु जी. जमी पी वी सिंधु ऑलरेडी टोबाको कंट्रोल रो ब्रांड एम्बेसडर भी अच्छा सेमती से बेटर न्यूट्रिशन रो भी ब्रांड एम्बेसडर अच्छा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हेलेन मेरी रोबोट बिकम द फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर फ्रॉम व्हिच कंट्रीज माइनॉरिटी कम्युनिटी. कौ कंट्री माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रथम वुमेन ब्रिगेडियर भाव में हेलेन मेरी रोबर्ट बनती से होती पाकिस्तान. क्लियर. पाकिस्तान प्रथम मुस्लिम प्रथम वुमेन ब्रिगेडियर भाव में हेलेन मेरी रोबर्ट रिसेंटली बनी माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रथम मुस्लिम प्रथम वुमेन ब्रिगेडियर भाव में. क्लियर. से होती पाकिस्तान. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्लाउडिया सेनबाउम बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. रिसेंटली क्लाउडिया सेनबाउम बनी प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट भाव में कौ कंट्री. इट इज मेक्सिको. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो मेक्सिको रिसेंटली प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए बनती क्लाउडिया सेनबाउम जी. क्लियर. वॉइस क्लियर अच्छे ना से आप कमेंट लिखे जन पारे एंड वीडियो कमी लगुच्छी से भी जन पारे. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जोटा गुजरात में अच्छी तार रिसेंटली नुआ चेयरपर्सन भाव में किए अपॉइंट होती सी होती सुशील कुमार सिंह जी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली सुशील कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट. क्लियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ GSICC. GSICC रो फुल फॉर्म होची जेंडर सैनिटेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. ओके जेंडर सैनिटेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट
कमिटी माने जेंडर इक्वालिटी को नहीं कि से रिसेंटली तार चेयरपर्सन बन से हो जस्टिस सीमा कोहली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली जहाँ को फोटो आपन देखुन जस्टिस सीमा कोहली हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ GSICC यार जदि आप PDF चाहते अपन टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे। नेक्स्ट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन से होती किए विजया भारती सयानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विजया भारती सयानी हैज बिन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बिजनेस वोमेन हल्ला तोमासोदिर हैज बिकम द 7th प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री रिसेंटली बिजनेस वोमेन जड़े ओके बिजनेस वोमेन हल्ला तोमासोदिर बनती 7 नंबर प्रेसिडेंट भाव में कौ कंट्री इट इज आइसलैंड क्लीयर आइसलैंड इलेक्ट कर रिसेंटली बिजनेस वोमेन हल्ला तोमासोदिर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट शेख सभा खालिद अल हमद अल सभा वॉज सोन इन एन एज क्राउन प्रिंस ऑफ हिज कंट्री रिसेंटली शेख सभा खालिद अल अहमद अल सभा शपथ पाठ नहीं कौ कंट्रीर प्रिंस भाव में इट इज क्वेत ओके क्वेत रिसेंटली क्राउन सिटी क्राउन चले प्रिंस भावरे माने राजा भावरे सो शेख सभा खालिद अल हमद अल सभा बनती क्वेत्र नुआ राजा। नेक्स्ट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IITF वाइस चांसलर किए बन से किए राकेश मोहन जोशी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली राकेश मोहन जोशी हैज बिन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्लियर। नेक्स्ट सबूटा नोट डाउन करनी हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू DG ऑफ ESIC ESIC कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सो ESIC रो फुल फॉर्म होची एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सो तार रिसेंटली DG भाव में किए बन से कमल किशोर सोहन जी ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली कमल किशोर सोहन हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू DG ऑफ ESIC क्लियर। नेक्स्ट हु बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन ए लोकसभा सीट यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन जिकि लोकसभा सीट को जीतिंट ट्राइबल वुमेन से होती किए प्रियंका जर्की होली क्लीयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर से कर्णाटक स्टेट्र ओके MP बनती चिकोडी डिस्ट्रिक्टर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रियंका जर्की होली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन ए लोकसभा सीट। नेक्स्ट हु हैज बिकम द न्यू CM ऑफ ओडिशा ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री भाव में किए शपथ पाठ नहीं से होती मोहन चरण माझी जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मोहन चरण माझी हैज बिकम द न्यू CM ऑफ ओडिशा या पूर्व तो फॉर्मर CM आमर किए नवीन पट्टनायक जी थे सो मोहन चरण माझी बिकम द न्यू CM ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट हु बिकम द डिप्यूटी CM ऑफ ओडिशा ओडिशार डिप्यूटी CM पोस्ट किए अच्छा दुज बन डिप्यूटी CM से होती के भी सिंह देव जहाँ फोटो आप देखुंत एंड प्रभाती परिडा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बोथ एंड बी सो के भी सिंह कनक वर्धन सिंह देव प्लस प्रभाती परिडा बिकम द डिप्यूटी CM ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ PNB MetLife PNB MetLife नुआ CEO किए बन से होती समीर बंसल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर समीर बंसल हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ PNB MetLife। नेक्स्ट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट किए डायरेक्टर जन बन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राजप्रिय सिंह ओके राजप्रिय सिंह हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हु हैज बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79 UNGA सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा जे 79 नंबर यूनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली रो प्रेसिडेंट किए बन से होती किए ऑप्शन बी फेलिमन यांग ओके फेलिमन यांग हैज बिन ओके या पूर्व एंटोनियो गुटेरस थे बट से रिटायरमेंट नहीं दैट्स व्हाई फॉर्मर कैमेरियन PM फेलिमन यांग हैज बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79 सेशन ऑफ UNGA क्लियर। नेक्स्ट हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफ इंडिया वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री किए बन से होती किए ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी जी क्लियर अन्नपूर्णा देवी हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड
वेलफेयर ऑफ इंडिया। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप पूर्वरु स्मृति ईरानी थे बट से इलेक्ट ही ना से हरी जाए इलेक्शन, दैट्स वाई अन्नपूर्णा देवी हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी तरफ प्रथम वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट किए बनते, ऑप्शन बी अनामिका राजीव। ओके, अनामिका बी राजीव बिकम इंडिया फर्स्ट नेवी हेलीकॉप्टर पायलट। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी भाव में कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया रो सेक्रेटरी किए बनते, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया। क्लियर, कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया रो नुआ माने सेक्रेटरी भाव में किए इंद्रपाल सिंह बनते, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम। इंडियन मेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम रो हेड कोच भाव में किए अपॉइंट होती से होती स्कॉट फ्लेमिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्कॉट फ्लेमिंग जहाँ को फोटो आपन देखु से रिसेंटली अपॉइंट होती हेड कोच भाव में इंडियन मेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम रो। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमन हैज बिन इलेक्टेड एज द आर्मी चीफ ऑफ व्हिच कंट्री। रिसेंटली वकर उज जमन लेफ्टिनेंट जनरल से को कंट्री रो आर्मी चीफ भाव में रिसेंटली इलेक्ट माने सिलेक्ट होती अपॉइंट होती बोली भी कहीपरेंगे, इट इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश रो नुआ आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमन बनती, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु बिकम द यंगेस्ट एमएलए ऑफ ओडिशा। ओडिशार सबुठू यंगेस्ट एमएलए किए बनते से होती उपासना महापात्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली उपासना महापात्र हैज बिकम द यंगेस्ट एमएलए ऑफ ओडिशा। क्लियर, नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई। सीओएआई रो चेयरमैन भाव में किए अपॉइंट होती, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अभिजीत किशोर। ओके, ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर। अभिजीत किशोर हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई रो रिसेंटली प्रेसिडेंट भाव में किए चार्ज नहीं होती किए विनायक पाईजी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विनायक पाई हैज बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु बिकम द डिप्यूटी सीएम ऑफ आंध्रप्रदेश। आंध्रप्रदेश सीएम आम देखिले एन चंद्रबाबू नायडू, सेमती डिप्यूटी सीएम किए बजन से होती किए पवन कल्याण जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली पवन कल्याण हैज बिकम द न्यू डिप्यूटी सीएम ऑफ आंध्रप्रदेश। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज पेमा खांडू सोनी नेन एज सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली पेमा खांडू जी पुणी अरुणाचल प्रदेश सीएम बनती, सो से कते थर टोटल बन सारी, इट इज थर्ड टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, हु हैज बिन सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम नरेंद्र मोदी। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली पीएम माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भाव में किए पुणी सिलेक्ट होती से होती पीके मिश्रा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली पीके मिश्रा हैज बिन सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, हु हैज सिक्योर्ड सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकार सेकेंड टर्म पर प्रेसिडेंट भाव में किए माने इलेक्ट होती से होती किए ना कौन से सीरियल रामपोसा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिरिल रामपोसा हैज बिन सिक्योर्ड एज द सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम नरेंद्र मोदी। जमी आम मानने सेन्टर अपॉइंट कला जेपी के मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी भाव में सेमती अजित डोभाल जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अजित डोभाल हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू माने ऑलरेडी से थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बिन इलेक्टेड एज फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स आईओसी आईसीसी सॉरी इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स वाइस चेयर भाव में किए रिसेंटली इलेक्ट होती से होती किए हर्षपति सिंघानिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हर्षपति सिंघानिया हैज बिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेटर पेलिग्रेनी वॉज सोन इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। पेटर पेलिग्रेनी को कंट्री नुआ प्रेसिडेंट बनती, इट इज स्लोभाकिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्लोभाकिया नुआ प्रेसिडेंट भाव में पेटर पेलिग्रेनी जी चार्ज नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, हु हैज बिन सिलेक्टेड एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। रिसेंटली
आमर इंडियन आर्मी वाइस चीफ किए सी होती एनएस राजा सुब्रमण्यी। एनएस राजा सुब्रमण्यी बिकज आमर जी आर्मी चीफ आर्मी वाइस चीफ थे उपेन्द्र द्विवेदी जी से ऑलरेडी आर्मी चीफ बनचन दैट वाई नुआ वाइस चीफ भाव में एनएस राजा सुब्रमण्यी बनचन वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ऑप्शन डी इज द ग्रेट आंसर। हु बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। 18 नंबर लोकसभा नुआ स्पीकर किए बन सी होती ओम बिर्ला। ओके आपूर्वर भी से ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर ही थे से एबे 17th लोकसभा भी स्पीकर थे एबे 18th लोकसभा भी ओम बिर्ला जी ही नुआ स्पीकर बन। ऑप्शन डी इज द ग्रेट आंसर। सुरमा पाठी बिकम द सेकंड ओमेन स्पीकर ऑफ व्हिच स्टेट असेंबली। सुरमा पाठी बन सेकंड ओमेन स्पीकर भाव में सेकंड ओमेन स्पीकर भाव में कौ राज्यर। ओके इट इज आवर स्टेट ओडिशा। क्लीयर आपूर्व प्रमीला मल्लिक जी थे से ओडिशार प्रथम ओमेन स्पीकर थे पुणी एबे रिसेंटली बीजेपी जेहेतु बीजेपी गवर्नमेंट ओडिशा रे चलछि मोहन चरण मांझी जी ऑलरेडी सीएम अछंती सेथिपई सुरमा पाढ़ी जी को रिसेंटली अपॉइंट कर जाय सेकंड ओमेन स्पीकर भाबरे ओडिशार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रोटम स्पीकर ऑफ 18 लोकसभा। 18 नंबर लोकसभा रो प्रोटम स्पीकर माने जिते भी न्यूली इलेक्टेड एमपी एमएलए अछन से मनक शपथ पाठ किए करैछंती जी कराए प्रोटम स्पीकर कहुए। सो प्रोटम स्पीकर भाव में किए मैंने इलेक्ट होते से होती भृतहरी महताब। ओके भर्तृहरि महताब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भर्तृहरि महताब जी ओडिशार कटक्रु से जीति लोकसभा। सो भर्तृहरि महताब इलेक्टेड एज अ प्रोटम स्पीकर ऑफ 18 लोकसभा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक रो एमडी एंड सीईओ भाव में किए अपॉइंट होती। ऑप्शन ए अजित कुमार केके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अजित कुमार केके हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल रो रिसेंटली चेयरमैन एंड एमडी किए बन से होती किए मनोज जैन जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली मनोज जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट हु हैज गिवन ए 1 year एक्सटेंशन एज ए चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी रो चीफ भाव में 1 year एक्सटेंड कर जाएगी। सो करेंटली आईबी रो चीफ किए से होती तपन कुमार डेका जी। ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली तपन कुमार डेका इज करेंट आईबी चीफ एंड तांको टेनोर 1 year होम मिनिस्ट्री एक्सटेंड करती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन इलेक्टेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा रे लीडर ऑफ हाउस भाव में किए इलेक्ट होती से होती किए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेपी नड्डा जी की आमर करेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी अच्छा। ओके जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा हैज बीन इलेक्टेड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नुआ प्रेसिडेंट भाव में किए चार्ज नहीं सी होती संजय मारीवाल। क्लीयर संजय मारीवाल हैज बीन टेकन चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशार नुआ चीफ सेक्रेटरी भाव में किए चार्ज नहीं सी होती। ऑप्शन डी आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ फोटो आप देखते मनोज आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18 लोकसभा। 18 नंबर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन भाव में किए इलेक्ट होती से होती किए राहुल गांधी जी। ओके कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज बीन इलेक्टेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18 लोकसभा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द कैप्टेन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। 2024 रो पेरिस ओलंपिक रो कैप्टेन भाव में किए चार्ज नहीं सी होती हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हरमनप्रीत सिंह हैज बीन सिलेक्टेड एज द कैप्टेन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। ओके पेरिस ओलंपिक 2024 रो इंडियन हॉकी टीम रो रिसेंटली कैप्टेन भाव में हरमनप्रीत सिंह जी बनते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। इंडिया प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भाव में किए अपॉइंट होती से होती प्रथम नॉन इंडियन सिमोन मार्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिमोन मार्क हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हु बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलिन ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजेए। इंडियन बुलिन ज्वेलर्स एसोसिएशन रो प्रथम वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भाव में किए बनती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अक्षा मोहित कंबोज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अक्षा मोहित कंबोज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलिन ज्वेलर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट तो ये थिला हमें जोटा डिस्कस कले
बिल्कुल मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड ही डिस्कस कर सब गुड़ा नोट डाउन करेंगे एवं देखा आज होमवर्क जोटा आम कंप्लीट वीडियो देखिले तापर ही यही क्वेश्चन टी रही हु वाज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18 लोकसभा 18 नंबर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन किए इलेक्ट होती कमेंट लिखिक जनवे पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो जदि भल लगी लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ जो मैंने चैनल प्रथम कर भिज कर सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो कमी लगे से कमेंट लिखी जनवे। जय हिंद जय जगन्नाथ लव यू ऑल।